नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 की खेल और बिजनेस की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खेल और बिजनेस की बड़ी खबरें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। मयंक यादव और शिवम दुबे का टीम में ना होना चिंता का विषय है, जिन्हें चोट के कारण स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। BCCI ने अपने स्टेटमेंट में यह भी बताया कि रियान पराग को टीम में नहीं चुना गया है, जो बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाएं कंधे में आई चोट के कारण उभरने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम घोषणा कर दी है। टीम इंडिया नवंबर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया में KL राहुल को भी मौका मिला है। राहुल हाल ही में खराब प्रदर्शन की वजह से चर्चा में थे। जसप्रीत बुमराह टीम के उपकप्तान होंगे। अभिन्यू ईश्वर और प्रसिद्ध कृष्णा को भी टीम इंडिया में शामिल किया गया है। नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर भी जगह बनाने में कामयाब रहे। MS धोनी IPL 2025 में खेलेंगे या नहीं, उन्हें अनकैप प्लेयर या फिर चेन्नई पहले पिकअप के तौर पर रिटर्न करेगी। अनकैप प्लेयर की अधिकतम सैलरी 4 करोड़ रुपए है। वही कोई टीम सबसे पहला खिलाड़ी 18 करोड़ रुपए में रिटेन कर सकती है। भारतीय फैन इस सभी सवालों के जवाब जानना चाहती है। इस बीच चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल चुके हरभजन सिंह ने अपनी राय से नई संभावनाओं को तुल दे दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। इस साल करीब 7.3 करोड़ लोगों ने ITR भरे हैं। मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 9 करोड़ को पार कर सकता है। हालांकि अगर सरकार 8 लाख रुपए की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का फैसला ले तो यह आंकड़ा बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस छूट को देने की डिमांड उठाई जाने लगी है। ऐसे में सरकार 60 से 80 साल के सीनियर सिटीजन को यह राहत दे सकती है। भारतीय शेयर बाजार के लिए सेशन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में भारी बिकवाली के चलते हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार तेज गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 80,000 के नीचे जा फिसला है, तो मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अंधे मुंह जा गिरे हैं। निवेशकों को कल के सत्र में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 6063 अंकों की गिरावट के साथ 79,402 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 218 अंक गिरकर 24,180 अंकों पर क्लोज हुआ है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह तेजी के साथ खुलने के बाद भारत में अचानक मुनाफा वसूली लौटाने के चलते तेज गिरावट आ गई। सेंसेक्स दिन की हाई से 600 पॉइंट और निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा नीचे जा लुढ़का है। सत्र में एक बार फिर बिकवावली का बड़ा खामियाजा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर देखने को मिला है। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स दिन के हाई से 1300 और स्मॉल कैप 400 अंक नीचे जा फिसला है। बाजार खुलने के एक घंटे के भीतर ही निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। फिलहाल खेल और बिजनेस की खबरों में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।